शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में रविवार को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने पंडित नेहरू की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें पुष्पांजलि दी। विजय जैन ने कहा कि चाचा नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने कृषि, किसान और बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भाखड़ा नांगल बांध बनाने जैसे युगांतकारी कार्य किए। युवाओं को उच्च शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से IIT IIM का उपहार दिया और उन्होंने महिला उत्थान के लिए भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए। कार्यक्रम में प्रदेश मुख्य संगठक राकेश पारिक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महेंद्र सिंह रलावता सहित पूर्व विधायक श्री गोपाल बाहेती, पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, महिला कांग्रेस अध्यक्षा सबा खान, सेवा दल संगठक शैलेंद्र अग्रवाल सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर उनको शशत नमन, उनको यहाँ अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सादर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, अग्रिम संगठन प्रकोष्ठ में लोगों के सब हमारे पदाधिकारी साथीगण, हर्षदगण, यहाँ वरिष्ठ नेतागण, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष सेवा दल के राकेश पारिक जी और सभी साथी यहाँ हमारे उपस्थित रहे। जवाहरलाल नेहरू एक ऐसी शख्सियत जो देश को आधुनिकता के परिवेश में बदलना चाहते थे, ऐसी रूढ़िवादिताओं को ख़त्म करना चाहते थे, देश को 21वीं 22वीं सदी में लेके जाना चाहते थे जिसमें हमारा देश एक अग्रणी स्थान प्राप्त करे पूरे विश्व में, उनकी यही तमन्ना थी। महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहीं और नहीं बल्कि अपनी ही सुपुत्री इंदिरा गांधी जी को इतना सशक्त बनाया, ऐसे संस्कार दिए, ऐसी पढ़ाई लिखाई करवाई कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। हम चाहते हैं कि जिस तरह चाचा नेहरू जी की सोच थी बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, उसी तरह पूरा देश उनकी सोच पर चले तो शायद हमारे देश की दशा और दिशा कुछ और। चाचा नेहरू की पुण्यतिथि पे हम लोग उनको सत सत नमन करते हैं और हम शपथ लेते हैं कि उनके बताए हुए मार्गों पे चलकर इस भारत में जो सांप्रदायिक ताकतें मुवाएँ खड़ी है उन ताकतों का मुकाबला करें। चाचा नेहरू की देन है कि जिस देश में सुई का भी निर्माण नहीं होता था उस देश में इन्होंने आज़ादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, चाहे भाखड़ा नांगल डैम हो, बड़े बड़े डैम हो, और इस देश के विकास में, इस देश में हरित क्रांति के लिए, इस देश में सहकारिता आंदोलन के लिए जो चाचा नेहरू ने काम किए, आज चाचा नेहरू नहीं है लेकिन उनके बचाए हुए मार्गों से भारत विश्व की बहुत बड़ी शक्ति बना हुआ। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।